चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ 10 किलोग्राम सैटेलाइट कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 100 किलोमीटर इन 108 मिनट्स। द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विल बी, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है और सैटेलाइट ये घूम रही है अर्थ के चारों तरफ, एज्यूम करो ये सैटेलाइट है, ये घूम रही है, तो जब एक रिवॉल्यूशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो, और वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। यहां डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गया तो वर्क डन तो जीरो होना ही है, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन यानी सर्कुलर मोशन करता हुआ कोई ऑब्जेक्ट अगर एक रिवॉल्यूशन कर लेता है तो जहां से चला था वहीं वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज है, ग्रेविटेशन फोर्स इधर लग रहा है सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ, अगर ये स्मॉल डिस्टेंस मूव करता है, मान लो ये स्मॉल डिस्टेंस मूव करता है, मान लो डेल्टा एस डिस्टेंस मूव किया इधर से इधर, तो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन का इधर और डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, यानी कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होगी। तो स्मॉल डिस्टेंस भी अगर कवर ट्रेवल कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स के परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस बात है इसकी वजह से वर्क डन जीरो होगा। और दूसरा जो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर पूरा एक रिवॉल्यूशन कर लेता है तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होना ही है, तो वर्क डन भी जीरो होगा। तो दोनों केसेस में अगर स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशन फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए वर्क डन जीरो होगा। अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, इसलिए वर्क डन भी जीरो होगा। तो दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट यहां पर जीरो होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है इस केस के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।